अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम लोग जो भी हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट के कुछ रूल्स छोड़े थे वो कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ आज कुछ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, कल हमने जो पढ़े थे यहाँ तक हमने कम्प्लीट किए थे। कल कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ पे ये भी हो गया था, सब प्रोनाउन ये भी हो गया था, सिक्स ये भी हो गया था कंप्लीट, मैनी भी हो गया था, ए मैनी भी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे सिक्स डेज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 60 रूल है, ये कहता है कि ए वर्ब शुड बी सिंगुलर इफ इट्स सब्जेक्ट हैज एवरी आर मैनी ए जस्ट बिफोर इट। देखो मैनी ए वुमेन फील्स एंटाइटल्ड टू मोर इन लाइफ देन जस्ट हाउस वर्क। अगर मैनी ए लगा हुआ हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फील्स आ गया, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आ गया यूज। मैनी ए का मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट में यूज़ हो तो वर्ब का आंसर क्या आंसर लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एवरी जहाँ पे लगे शुरू में, या जहाँ पे अगर सब्जेक्ट और यूज़ हो तो हम लोग वहाँ पे वर्ब क्या आएगा, एवरी मैन वुमेन चाइल्ड वांट्स, ठीक है, वांट्स आ गया हमारे पास, सिंगुलर है, ठीक है। आफ्टर दैट सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस मे बी सिंगुलर और प्लुरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, वो सिंगुलर प्लुरल हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसकी सेंटेंस पे, करते हैं मीनिंग ऑफ सेंटेंस पे। सम ऑफ द बुक्स हैव बीन लॉस्ट, सम ऑफ द बुक्स मतलब क्या है, हमारे पास प्लुरल आ रहा है तो हमने हैव दे दिया, ठीक है। अगर सिंगुलर होता तो हम लोग क्या देते, हैव देते। और सम ऑफ द वर्क क्या है, सिंगुलर है तो हमने क्या दिया, वर्क क्या दे दिया, हमने सिंगुलर दे दिया, ठीक है। ऑल ऑफ द आइसक्रीम इज गॉन, ऑल ऑफ द आइसक्रीम क्या है, सिंगुलर तो हमने सिंगुलर वर्ब दे दिया। ऑल ऑफ द मैन क्या है, प्लुरल है तो हमने हैव दे दिया। मोस्ट ऑफ द टॉक क्या है, सिंगुलर तो हमने सिंगुलर वर्ब दे दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल ये क्या, प्लुरल है तो हमने वर्ब दे दिया, ठीक है। इस तरह से वो करता है कि आपको सेंटेंस को देखना होता है ये क्या है, सेंटेंस प्लुरल में सिंगुलर में, उस हिसाब से फिर आपको देखना। देन मूव ऑन द 60, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आर या नॉट द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, ठीक है, सही से पढ़ना है। उसके बाद देखो, नाइदर द मदर नॉर हर डॉटर वॉज एवर सीन अगेन। अब फिर से जो पॉइंट है उसको पढ़ो, क्या लिखा है, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आर या नॉट द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, ठीक है, समझ में आ गया। नाइदर द मदर और नॉर हर डॉटर, ठीक है, वॉज एवर सीन अगेन, तो मतलब कि उसकी ना ही बेटी ना ही उसकी जो मदर वो दिखाई नहीं दे रही है कुछ दिनों से, लाइक दैट, ठीक है। अब वहाँ सेकंड में आते हैं, वन और द अदर ऑफ अस हैज़ टू बाय द टिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैज़ आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें देखना होता है कि हमें जो यहाँ पे आ गया द अदर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, द मदर एंड हर डॉटर आ गया, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज दैट। हमें देखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सा आ रहा है, प्लुरल कौन सा है, उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे दोनों क्या है, सिंगुलर यूज़ हुई है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, अगर हमारे पास प्लुरल लगते हैं तो हम लोग प्लुरल यूज करते हैं। आफ्टर दैट 6F, व्हेन वन सिंगुलर एंड द वन प्लुरल सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आर और नॉट द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द वर्ब। अब कहना क्या चाहता है, लेट्स सी द एग्जांपल, Neither the plumber nor the painter have finished. वो कह रहा है कि हमें वो सब्जेक्ट देखना है जो कि नज़दीक होगा वर्ब के, वो हमने देखना है, ठीक है, वो किस कंडीशन में है, प्लुरल में सिंगुलर में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वर्ब कौन सा आएगा। तो जो नज़दीक कौन सा है, द पेंटर्स है, और द पेंटर्स क्या है, प्लुरल में, तो हमने हैव लगा दिया, ठीक है, जो हमारे नज़दीक होगा
सब्जेक्ट उसको देखना है, उसके बाद उसकी बदौलत हमें वर्ब यूज करना है। आइदर द ब्रांच ऑफिस और द मेन ऑफिस क्लोजेज एट फोर। तो यहाँ पे दिखा द मेन ऑफिस सिर्फ सिंगुलर है, तो दैट्स व्हाई क्लोजेज हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। द ब्रांच ऑफिस ये प्लूरल, इसको हमें नहीं देखना है, हमें जो नज़दीक वाला होगा वह सब्जेक्ट होगा उसको देखना है, उसके बदौलत हमें क्या लगाना होगा वर्ब लगाना होगा। ठीक है, वो सिंगुलर है प्लूरल है वो इट्स अ काम। ठीक है, वो कैसा है। देन 6G पे है कि व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर अ डिफरेंट पर्सन द सब्जेक्ट नियर द वर्ब डिटरमाइंस द पर्सन। सेम एज जैसा वो रूल था उसी तरह से, बट यहाँ पे क्या पर्सन की बात करी है। ठीक है, शी आर यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर शी इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यू क्या हमारे पास प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब। यू आर शी हमारे पास क्या सिंगुलर में है, तो इसलिए हमने सिंगुलर यूज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन अदर वन 6H। अब देखो, इवन इफ द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, इवन इफ दिस जो स्टेटमेंट उसको सही से पढ़ समझ में आ गई तो फिर सेंटेंस कुछ भी नहीं हमारे लिए। इवन इफ द सब वर्ब, लेट मी एड सम स्टूडेंट, इवन इफ द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट द वर्ब एग्रीज विथ ए ट्रू सब्जेक्ट एंड नंबर एंड पर्सन। हमें जो भी सेंटेंस है उसमें जो ट्रू सब्जेक्ट है वो हमें फाइंड करना है कहाँ पे है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमें वर्ब को लगाना है। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट एग्जांपल, आर द कैट एंड द डॉग फाइटिंग। तो हमें सुइटेबल जो भी हमें सब्जेक्ट ट्रू हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें देख के हमें वर्ब लगाना है। तो हमारे पास ये क्या है, ठीक है, द कैट एंड द डॉग फाइटिंग, तो आर कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वो आएगा दैट द कैट एंड द डॉग आर फाइटिंग। ठीक है, तो कहाँ पे दैट डॉग के आगे आएगा, क्योंकि हमारे पास सुइटेबल हमारे पास कौन सा है सब्जेक्ट, वो है दैट डॉग है। समझ में आएगा, यहाँ पे उन्होंने सामने हिंट भी दे दिए। लाइक सपोज यहाँ पे देखें, कमिंग एट अस फ्रॉम द लेफ्ट वाज एन एम्बुलेंस, तो सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है इसमें, ऑफकोर्स एन एम्बुलेंस, तो उसके आगे क्या हम लगाएंगे, वाज लगाएंगे, कमिंग एट अस फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से तो हमें जो भी सुइटेबल हमें सब्जेक्ट अपना देखना है कहाँ पे है, उसके देन डिसाइड के कौन सा हमारे पास वर्ब लगेगा। लेट्स मूव ऑन द 6I इंट्रोगेटिव पे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड द एडवर्ब्स वेयर हेयर एंड देयर डू नॉट अफेक्ट द नंबर और पर्सन ऑफ द वर्ब व्हेन दे इंट्रोड्यूस द सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, या एडवर्ब्स होते हैं, वो अफेक्ट नहीं करते किसी भी सेंटेंस को। लेट्स सपोज कैसे, What is the name of your friend? अब यहाँ पे जो है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उसका यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, मैटर करता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाउन क्या लगा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, या वर्ब क्या लगा हुआ है वो यहाँ पे मैटर करता है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, What are the addresses? Addresses यहाँ पे क्या प्लूरल है, तो that's why we use are। यहाँ पे name क्या सिंगुलर, that's why we use is। यहाँ पे man क्या सिंगुलर है, तो that's why we use is। यहाँ पे क्या people क्या प्लूरल है, तो that's why we use are। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पे व्हाट वर विच हु वो डजंट मैटर, क्या मैटर करता है नाउन या इसमें जो एडवर्ब यूज हुआ वो मैटर करता है। यहाँ पे देखो, हेयर कम्स माय फ्रेंड, हेयर कम माय पेरेंट्स, डिफरेंट सिंपल है। ठीक है, आफ्टर दैट 6J में है कि व्हेन ए प्रीडेक्ट नाउन। ठीक है, प्रीडेक्ट नाउन क्या होता है वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग ए लिंकिंग वर्ब, जो क्या करता है कि वर्ब है उसके आगे आता है, जो वर्ब और नाउन को लिंक करता है। ठीक है, उसे कहते हैं प्रीडेक्ट नाउन कहते हैं। डिफर इन नंबर फ्रॉम द सब्जेक्ट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब कैसे, अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इज एंग्री कस्टमर। यहाँ पे हमें सुइटेबल हमें देखना है कि कौन सा हमारा वर्ब है, उसके बाद हमें यहाँ पे फॉलोइंग द लिंकिंग वर्ब है, तो नाउन के साथ हमेशा वर्ब आएगा। ठीक है, वो लाजमी रखना, और नाउन हमारा मोस्टली क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सिंगुलर है, तो दैट्स वी यूज इज मोर गैस गजलर्स आरंट व्हाट दिस कंट्री नीड। तो गजलर्स क्या है, प्लूरल, तो दैट्स वी यूज आर। तो हमें ये तो बहुत सिंपल है, अब सिक्स के में क्या है, पेरेंथेटिकल फ्रेजेस और अदर मॉडिफायर दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट चेंज द नंबर और पर्सन ऑफ द ट्रू सब्जेक्ट विच द वर्ब एग्रीज विद। अब यहाँ पे कोई भी लिस्ट आती है, तीन चार आइटम्स के नाम आते हैं, अगर वो तीनों सिंगुलर हैं तो हमारे पास सिंगुलर आएगा, ठीक है। और जब लिस्ट आती है कोई भी आइटम्स की तो हम मोस्टली वी यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो, द अमाउंट शोन प्लस इंटरेस्ट, दो चीज़ें आ गई लिस्ट में, कुछ दो चीज़ें आ गई, इज ड्यू ऑन फ्राइडे। अब देखो, द प्रेजिडेंट टूगेदर विथ हिज एडवाइजर्स, बट हमें क्या देखें ना, सूटेबल हमारा क्या है जो है वर्ब है वो क्या है, द प्रेजिडेंट है, ठीक है, द प्रेजिडेंट है, एक बंदा है, दैट्स वी यूज इज, ठीक है, सिंगुलर हमने यूज किया है, ठीक है, विथ हिज एडवाइजर। और देखो कामा में है, कामा का मतलब ये लिस्टिंग भी है, लिस्टिंग में जब कोई भी चीज़ आए तो हमें सिंगुलर ही यूज़ करना है, ये चीज़ माइंड में रखना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ों का या फ्रूट्स का नाम आ गया, कुछ चीज़ों का नाम आ गया, अगर हम चीज़ें लेकर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे उसके आगे सिंगुलर तरीके यूज़ करेंगे। वो यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन रूल्स यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है, कोई चीज़ समझ में ना आई तो, अगर समझ में आ गई तो हम मूव ऑन द एक्सरसाइज। चलो मूव ऑन द एक्सरसाइज, ठीक है, आपको सबको एक्टिव होना है, ठीक है, सबको आंसर देना है। अब फर्स्ट में क्या आएगा, टू क्लोज आप टी डैश 600 रुपीज, कॉस्ट आएगा, कॉस्टेड आएगा, कॉस्टेड आएगा या इज कॉस्टिंग, क्या आएगा, सब रिप्लाई करो। सही है, ठीक है, वेरी गुड, ए आएगा कॉस्ट, कैसे कॉस्ट आएगा, रीजन क्या है, क्योंकि टू क्लोज लिखा हुआ है, प्लूरल में है, तो दैट्स वी यूज प्लूरल वर्ब। अब सेकंड वन का बताओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सेकंड वन का बहुत ट्रिकी है, जो इसको अगर किसी ने सब्जेक्ट वगैरह एग्रीमेंट को सही से पढ़ाए प्रीवियस कॉलेज में, तो उसके लिए आसान है, वेरी गुड राज। और बाकी के स्टूडेंट आप प्लीज टैक्स करें, आंसर दें इसका, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, सिर्फ दो ही स्टूडेंट दे रहे हैं जवाब, दो नंबर का ऑप्शन आएगा ए, इज कैसे, देखो जहाँ पे डिशेज आती हैं ब्रेड एंड बटर, तो एक डिश कंसीडर की जाती है यहाँ पे, ठीक है, दैट्स वाई वी यूज इज। समटाइम फिश एंड चिप्स, एक डिश है फिश एंड चिप्स, एक डिश है, नाम है एक डिश का, तो वी यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेट्स मूव ऑन थ्री क्वेश्चन, अच्छा तीसरे नंबर का बताओ, देखो सी आएगा, क्योंकि कड़ी एंड राइस क्या है, एक डिश है, सो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन।
एंड देन फोर्थ नंबर, फोर्थ का क्या है? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हमने जो रूल नंबर वन पढ़ा था तो यही है। रूल नंबर वन अगर किसी ने सही पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो इसका जो फोर्थ का ऑप्शन राइट आंसर है वो हैव। हैव कैसे? गोपाल एंड हिज सिस्टर, मतलब के पिलुलर हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो दैट्स द वी यूज हैव, ठीक है। और रूल नंबर वन पढ़ लो, उसमें मैंने लिख दिया है, ये इसका एग्जांपल भी दिया है मैंने। देखो बहुत ही सिंपल है, गोपाल एंड हिज सिस्टर, गोपाल एंड सिस्टर मतलब दो लोग हैं, इट मीन्स दे आर पिलुलर, सो हैव ही लगेगा, ठीक है। एंड देन मूव ऑन द फिफ्थ, फिफ्थ का क्या आएगा? द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये तो बहुत ही ईजी है। देखो डिवाइडेड लिखा हुआ है तो इज और डी तो नहीं लगेगा, मे बी डी आ सकता है लेकिन इज तो नहीं आऊंगा, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन है, फिफ्थ का वो है सी वर्ब। द जूरी क्या कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो कलेक्टिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वर या जो कोई प्लुरल कोई हो यू वो यूज करते हैं, ठीक है। वर क्योंकि डिवाइडेड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी यूज इट। एंड लेट्स मूव ऑन द सिक्स, वहाँ पे भी है द जूरी डैश सेलेक्टेड इट्स चेयरमैन। इसका क्या है? अब तो इसका राइट आंसर दे दो। सही है, डी ऑप्शन है, सही है, राइट। Let's move on the other. Seven number. The people of India concerned about their spiritual welfare. बहुत ही easy है ये। इसका जो आंसर है वो बी होगा, रियल हो। आर द पीपल ऑफ इंडिया आर कंसर्न, जो कंसर्न है ये वर्ल्ड है, कंसर्न है, ठीक है, बी आएगा, सही है, वेरी गुड। राज रुआन एंड जावेरिया दे डूइंग वेरी वेल, ठीक है। आफ्टर दैट मूव ऑन द एट, हर्ड ऑफ कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है,
सही है, वेरी गुड। सी ऑप्शन आएगा इसका, इज आएगा, ठीक है। द हर्ड ऑफ कैटल इज। लेट्स मूव ऑन द 9। स्टेशन इन डैश सॉलिड इन दिस शॉप। सही है, सी इसका आएगा, वॉस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द 10। टू प्लस टू डैश फोर, ये तो बहुत ईजी है। इज राइट आंसर इज बी, मेक्स। टू प्लस टू मेक्स फोर। लेट्स मूव ऑन द 11। ऑल द फर्नीचर इन द रूम डैश रिपेयरिंग। ये जैसे 10 नंबर था वैसे ये भी है। देखो जहाँ पे हम लोग काउंट कर पाए, काउंटेबल हो ना, वो हम लोग वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और अनकाउंटेबल होगा दैट टाइम मोस्टली वी यूज़ प्लूरल। नहीं नहीं पे नीड नहीं होगा, सिर्फ नीड होगा, नीड्स होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नीड्स, ठीक है। आपको देखो इसके अगर कॉन्सेप्ट, अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल की अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आपके लिए इजी रहेंगे। लेट्स मूव ऑन द सेक्शन 2। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बट इसमें आपको आंसर भी बताना है, उसके साथ रीजन भी बताना है, ठीक है, और ये क्यों यहाँ पे लगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 21, वहाँ पे बाइसाइकिलिंग एज वेल एज वॉकिंग एंड जॉगिंग रिड्यूस वंस डिपेंडेंस ऑन द मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे ए ऑप्शन है, और रिड्यूस का बी है, वंस का सी है, डिपेंडेंस का डी है, और नो एरर ई ऑप्शन। इसका क्या राइट आंसर होगा, और राइट आंसर के साथ मुझे इसका रीजन भी बताना है।
यस बी इज ये राइट आंसर, ठीक है, रेड्यूसेस आएगा। अब रेड्यूसेस क्यों आएगा, क्योंकि बाय साइ हमें सब्जेक्ट को देखना है, बाय साइक्लिंग को, ठीक है, वो सिंगुलर है, दैट्स वी यूज सिंगुलर वर्ब। और जहाँ पे मैंने कहा था लिस्टिंग को, वॉकिंग एंड जॉगिंग, ठीक है, दो चीज़ आएंगी, लिस्टिंग वाली चीज़ आ गई, तो तब हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी है, ठीक है, हमें देखना है सब्जेक्ट को, बाय साइक्लिंग, बाय साइक्लिंग क्या सिंगुलर है, तो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है, ठीक है, बाकी यहाँ पे मिस्टेक्स को नहीं देखना है हमें। अब लेट्स मूव ऑन 22। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द रीसेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है। वेरी गुड रोहन, आपने सही से आंसर दिया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा आपको सब्जेक्ट आपको पता चल जाए, वर्ब पता चल जाए, बस जितना भी बड़ा सेंटेंस हो आपको पता चल जाएगा। सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि द रीसेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है वो सिंगुलर है, दैट्स वी यूज सिंगुलर वर्ब। लेट्स मूव ऑन द 23। 23 का क्या आएगा, देखो इसमें सिंगुलर क्या है 23 में, दे एफर्ट, ठीक है। आप देखो फिर यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे रिजल्ट है, आप वर्ब है। अब दे एफर्ट क्या है, उस हिसाब से हमें रिजल्ट, दे एफर्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफन रिजल्ट्स की रिजल्ट की जगह ऑफन रिजल्ट्स आएगा, ठीक है, इस तरह से। बाकी कॉम्प्लेक्स वर्ड में नहीं जाना कि सेंटेंस समझ में, हमें सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट को देखना है कहाँ पे। लेट्स मूव ऑन द 24। ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी, सही है। वेरी गुड, देयर आर, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है, इसका ये ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन द 25। ये भी बहुत इजी है,
क्या कर, देखो वर्ब और सब्जेक्ट आप इसका कन्फर्म कर ले कौन सा है। वर्ब इसका देखो दे ज्वाइनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान प्लान, ठीक है। आप देखो ये है हमारा सब्जेक्ट, वेरी गुड। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर, एनेबल्स आएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे उसका सिंगुलर वर्ब है तो वी यूज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है सो दैट वी यूज सिंगुलर वर्ब। लेट्स मूव ऑन द 26। क्या क्या आएगा, ओके राइट आंसर, ठीक है। एनेबल आएगा, एनेबल्स नहीं आएगा क्योंकि दे हाई प्रोटीन कंटेंट, इट मीन इट ये पिलुलर है सो इट टेक पिलुलर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द 27। फुरकान अबर मोर देन द कैपिटल ऑफ द स्टेट और नॉट ओनली द लार्जेस्ट सिटी बट आज वे टिपिकल मेट्रोपोलिटन एरिया ऑफ द न्यू दिल्ली मार्केट रिसर्च। ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे देखो लिस्टिंग है, हमने जो लास्ट रूल पढ़ा था फुरकानाबाद ओ देन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आ गई तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई लिस्टिंग आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगुलर उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो हमारा सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उसके साथ मैंने एक और स्लाइड शेयर की आपको ग्रुप में, तो काइंडली उसको पढ़िएगा और कल हम उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ताकि देखेंगे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। सो आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग, ठीक है, कवर करेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के रिगार्डिंग सो यू कैन आस्क, ठीक है। हेलो सर जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही राज, आप टैक्स कर दें मुझे। तो मैं क्लासेस का क्या है, ये वो तो नहीं चल रही है राज, काइंडली आप मुझे टैक्स कर दें क्योंकि आप वॉइस नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा माइक का इशू सर, टैक्स तो मैंने किया है, रिप्लाई नहीं मिला ना।